जरूरत से ज्यादा लाउड है ये। और मैंने नया चैनल बनाया है और आप लोगों ने काफी सपोर्ट उसमें दिखाया है। सो गाइस, आज हमारे साथ चल रहा है Z900 ड्रैगर। पटाके नी तू सोनी बाली करता दिल मिलन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक। मेरा नाम है देवांश, आप देख रहे हैं अखंडी ब्लॉग चैनल। सो गाइस, चैनल मेरा डिलीट हो गया था आपको पता ही है, और मैंने नया चैनल बनाया है और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट उसमें दिखाया है, तो उसके बाद ये राइड होने जा रही है। मौसम बहुत बढ़िया है और आज मैं कैमरा भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ फोटोशूट जो है वो हम करने वाले हैं, क्योंकि मिस के साथ कोई भी खास फोटोज में फोटोशूट करवा नहीं पाया था, तो उसका रैप भी चेंज करने के बारे में हम सोच रहे हैं। तो रैप चेंज करने से पहले एक बढ़िया शूट करना है और आज राइड करने हम जा रहे हैं। फिलहाल मैंने पूरा सूट के नीचे का बेस लाइनर पहन लिया है, मिस्ट को साफ करने लग गया था बारिश में लास्ट टाइम, वो बहुत गंदी हो गई थी, थोड़ा सा मैंने तो साफ कर लिया है। फटाफट अब निकलना पड़ेगा क्योंकि हो गए लेट, तो आपसे मिलते हैं रोड पे फटाफट। सो गाइस, फुल रेडी हो गया हूँ मैं और गर्मी अभी से लगना स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं अल्पाइन स्टार सूट मैंने पूरा पहन लिया है, और जो लोग नए आए हैं उन लोगों को बता दूँ, मेरे पास 3 बाइक्स हैं आज, उसमें से हम एक में जाने वाले हैं जिसका नाम है मिस्ट, जो कि सुपर बाइक है। तो फटाफट नीचे चलते हैं, उसे कोल्ड स्टार्ट करते हैं, फिलहाल हम लोग रेडी हैं। सो गाइस, ये खड़ी है हमारी मिस्ट द ZX6R, इसको मैंने रैप कराया हुआ है ब्लू में, इसको फटाफट कोल्ड स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल थोड़ा सा कम हो सकता है। रोड अभी तक गीली है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, आज हमारे साथ चल रहा है Z900 ड्रैगर, और उसकी Z900 साइड में खड़ी है, उसके बगल में खड़ी है ZX6R मिस्ट मेरी, वो 900cc है, ये 636cc है, तो इनका अच्छा खासा कंपैरिजन भी होता है, क्योंकि ये पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, वो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। फ्यूचर में कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे, बट आज तो हम राइड करने जा रहे हैं। देखा आपकी बाइक में, ओहो कैसे हुआ, अच्छा तो आपको सबसे पहले साउंड चेक करवा देते हैं। तो भाई ने अभी जो एग्जॉस्ट लगा रखा आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, टेम्परेरी है, पर साउंड आप सुन सकते हैं एक तरफा है, बहुत लाउड। जरूरत से ज्यादा लाउड है ये। मेरी बाइक की आवाज़ तो इसके सामने आएगी नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है, ऐसी बात नहीं है, बाइक बहुत गंदी हो जाती है बारिश की वजह से। मैंने साफ भी करी पर फिर भी इतनी डिटेलिंग से सफाई नहीं हो पाई। चलो गाइस, फाइनली निकल रहे हैं अब हम, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी और सूरज रिश्ता भी निकल गए हैं। पटाके चेकआउट करें गाइस, भाई साहब साथ में जो साउंड आ रही है भाई साहब, मजा ही आ गया। और मैंने टायर भी नया लगाया है पीछे,
डियाब्लो रोसो 3। सुबह सुबह लोगों के रिएक्शन ही बहुत तगड़े आ रहे हैं भाई, क्योंकि दो दो सुपर बाइक चल रही हैं एक साथ। मैं कह रहा साथ में दोनों बाइक्स की आवाज ही मस्त आ रही है। हाँ पटाखे मार रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रोड सारी गीली है भाई। जानदे हो गए 945 होए होए नी तू सोनी बाली करदा दिल मिलन नु। सुबह के खाली रोड में भाई इतनी जल्दी हम यहाँ पहुंच भी गए ना, पता भी नहीं चला। सुबह जल्दी आने का यही फायदा है। आपका नाम क्या है? लड़की। तो लड़की ने कान बंद कर लिया भाई। मौसम आगे खराब सा लग रहा है यार। अरे कैमरा भी लेके आ रखा अपने साथ आज। क्या बात है जी। लोगों के रिएक्शन आज नेक्स्ट लेवल आ रहा है भाई, क्योंकि Z900 भी बहुत लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है। तो हम दोनों की साउंड एक साथ मिल के ना बहुत ही तगड़ी आ रही है। और एक बहुत मेजर डिफरेंस इन दोनों बाइकों में है, इसमें क्विक शिफ्टर आता है, उसमें क्विक शिफ्टर नहीं आता। और मोड्स का मुझे इसमें आइडिया नहीं है, इसमें मोड्स आते कि नहीं, पर इसमें दो मोड आते हैं, हाई और लो। Z900 भाई में बहुत ज़्यादा लाउड है। गियर रेशो का भी फर्क है, उसके गियर शॉर्ट है, मेरे टॉल है। हाई आरपीएम तो मिले जाते हैं पर उसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा है। तो दोनों ही गाड़ियाँ अपने आप में बहुत बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, पर फिर भी कंपेरेटिबल है। ठीक है, समझ गया। पटाखे सुनो गाइस। नहीं नहीं रैप है, ये है कार्बन फाइबर, ये पूरा कार्बन ही है। तो हाँ हाँ चले ब्रो, चलो आइए चेंज कराना है। ग्रीन नीचे ग्रीन। हाँ NR जैसा। ओहो RC वाले लौंडे फायर हो गए भाई। कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएंगे। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है गाइस। मोटो जी भी रोड में ऐसा ना हो कि हम बाइक ही ना चला पाए बस।
अंधेरा हो रखा है जंगल के अंदर। का टायर लिफ्ट हो गया था। क्या हुआ? मेरा टायर उठ गया था आगे से, हल्का सा उठा था पर, और मिट्टी आ गई थी। फिर आगे का व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा आ रहा है बादलों वाला। यहाँ से बादल दिख रहे हैं बहुत तगड़े, बहुत ही तगड़े बादल दिख रहे हैं यहाँ से। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको बैकफायर की साउंड कैसी आ रही है। फिलहाल इस बढ़िया से व्यू के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी ना करते हुए, और अगले पार्ट में हम जाने वाले इन्हीं बादलों के बीच। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।